हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम में इस चैनल पर हम डिफरेंट डिफरेंट एम सी क्यूज सोल्व करते हैं वन लनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं तो ये सब जो जो एम सी क्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें तो ये आज हम फार्मा क्विज़ में डिस्कस करते हैं एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ये फार्मा क्विज़ के मैंने पहले भी बहुत से पार्ट अपलोड किए हैं ठीक है थीके? तो इसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन है क्यू एस इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स ऑप्शन है एवरी आर सफिशेंट क्वान्टिटी एवरी टाइम एवरी डे तो ये लैटिन टर्म्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ठीक है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए तो ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है आप वो भी देख सकते हैं तो क्यू एस इन प्रिस्क्रिप्शन में यो सफ़िशेंट क्वान्टिटी होता है ठीक है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा और जो एवरी आर होता है इसके लिए कौन सी लैटिन टर्म आती है एवरी आर के लिए आती है ओमनी नी ओ हो रोमी हो ठीक है इसको ओ OH एच भी बोल देते हैं ओ oh, एच ऐसे भी आ सकता है या ओमनी होरा इस ओमनी का मतलब होता है एवरी ठीक है तो इसके लिए होती है ओमनी होरा ये भी इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है साइनोकोबालमीन इज ए ऑप्शनस हैं विटामिन कोलिनस्ट्रेज इनिबिटर स्टीरोडो हालोसिनोजन तो साइनोकोबाल अमीन क्या होता है सभी को पता है ये विटामिन है ठीक है विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है उसको क्या बोलते हैं साइनोकोबाल अमीन बोलते हैं ठीक है थीके? इसकी डेफिशेंसी से मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है नेक्स्ट है एनसेड इज ऑप्शन है डाइक्लोरन क्लोरोक्विन डायसिपाम मोरफिन तो इनमें से कौन सा है जो एनसेड्स में आता है नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेट्री ड्रग्स में कौन सी ड्रग आती है ये आती है डाइक्लोरन ठीक है इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जो डाइक्लोरन है इसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट होते हैं डिक्लोफिनाक प्लस पैरासीटामोल होता है इसके अंदर ठीक है तो ये एनसेड में आता है क्लोरोक्विन तो आपको पता है क्या है एंटी मलेरियल ड्रग है डायजिपाम एक बैंजो डाजिपिन होता है ठीक है और मोरफिन ये उपयोग में आते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन ऑप्शंस है पेन ड्यू टू स्टिमिक डेथ ऑफ मायोकार्डियम पेन डिक्रीज हार्ट रेट पेन ड्यू टू इंक्रीज बीपी ब्लड प्रेशर पेन ड्यू टू हार्ट फेलियर तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन क्या होता है पेन ड्यू टू इस्चिमिक डेथ ऑफ मायोकार्डियम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर ओस्मोटिक ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम सल्फ़ेट लिक्विड पैराफिन फिनोफ्थलीन या इसका है कैस्टर ऑयल तो ओस्मोटिक परगेटिव का एग्ज़ाम्पल क्या है तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो होता है ये होता है ओस्मोटिक परगेटिव्स में आता है ठीक है ओस्मोटिक परगेटिव्स में एक तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट है ठीक है और एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो भी आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसमें सोडियम सोल्टस भी होते हैं जैसे सोडियम सल्फेट है और सोडियम फोस्फेट आता है ठीक है ये भी क्या होते हैं ओस्मोटिक परगेटिव में आते हैं एक सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आता है वो भी आता है इसमें सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और इलेक्टोलोज ये सब क्या होता है ओस्मोटिक परगेटिवस होते हैं और इसमें जो ये लिक्विड पैराफिन है ये किस में आता है ये स्टूल सॉफ्टनर में आता है ठीक है स्टूल सॉफ्टनर में दो ड्रग्स आती हैं एक तो होती है डी ओ एस एस जिसे डोक्यूसेट भी बोलते हैं और एक आता है लिक्विड पैराफिन आता है ठीक है ये सब जो हम किस में पढ़ते हैं जो ड्रग्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के लिए उसमें जो लेगजेटिव जो आते हैं ना लैगजटिवस के क्लासीफिकेशन में आती हैं ये सारी की सारी ड्रग्स ठीक है और इसमें जो फिनोफ्थलीन है ये किस में आता है जो फिनोफ्थलीन है ये स्टिमुलेंट परगेटिव्स जब हम देखते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आती हैं एक कैटेगरी आती है डाईफिनाइल मिथेन्स ठीक है डाईफिनाइल मिथेन्स में आता है ये फिनोफ्थलिन आता है डाईफिनाइल मिथेन्स में फिनोफीन आता है एकोडाइल आता है और आता है सोडियम पिकोसल्फेट आता है ठीक है ये तो हो जाएगा डाइफिनाइल मिथेन्स में जो स्टिमुलेंट प्रगेटिवस होता है फिर और एक जो ये कैस्टर ऑयल होता है ये क्या होता है ये इसको ये फिक्स्ड फिक्सडो वैसे तो क्या है फिक्स्ड ऑयल है ये कैस्टर ऑयल ठीक है ये भी स्टिमुलेंट प्रगेटिवज़ में ही आता है कैस्टर ऑयल ठीक है इसको इरीटेंट परगेटिव भी बोल देते हैं कई बार ऑप्शन होते हैं देते हैं इरीटेंट प्रगेटिवीज तो ये कैस्टर ऑयल आता है तो ये सब भी ध्यान रखने हैं नेक्स्ट है वट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं सेवेंटी फाइव परसेंट इथेनॉल हंड्रेड परसेंट इथेनॉल नाइन्टी परसेंट इथेनॉल या फिफ्टी परसेंट इथेनॉल तो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है नाइन्टी परसेंट इथेनॉल होता है ठीक है नाइन्टी परसेंट और ये होता है वेट पर वेट होता है ठीक है नाइन्टी परसेंट वेट पर वेट इथेनॉल क्या होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है ठीक है एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल ये टर्म आती है एक एब्सोलूट अल्कोहल ठीक है एप्सोलूट अल्कोहल क्या होता है ये होता है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट वेट पर वेट इथेनॉल होता है ठीक है ये कुछ कुछ टर्म्स होती हैं जो याद करनी है तो रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया हमारा नाइन्टी परसेंट इथेनॉल हो गया नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव यूज इन आई ड्रॉप ऑप्शन है मर्क्यूरिक क्लोराइड क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट तो आई ड्रॉप्स में ये फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज़ करते हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ड्रग ओपटेंड बाय रिकम्बीनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ए टेक्नोलोजी ऑप्शन है टिटानस्टॉक्सॉइड पेनिसिलिन ह्यूमन इंसुलिन जीरोव्यूडिन तो इसका जाएगा, आ जाएगा ह्यूमन इंसुलिन आ जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल बाय ऑप्शन है सरफेस कल्चर इन लिक्विड मीडियम सरफेस कल्चर इन सॉलिड मीडियम सबमर्ज कल्चर इन लिक्विड मीडियम सबमर्ज कल्चर इन सॉलिड मीडियम तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ आर ऑप्शंस है इम्यूनोजेंस हैप्टन्स इम्यूनोगोगलोबिल्स एलर्जेंस तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं ये होती है इम्यूनोग्लोबिल्स होती हैं ठीक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इन वट डिजीज हार्ट फेल्स टू पंप ऑप्शनस हैं एंजिना कोमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर तो हार्ट फेल्स टू पंप कौन सी डिजीज में हार्ट पंप करना फेल मतलब हार्ट पंप ही नहीं करता तो ये देखो कंज कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर ठीक है फेलियर से आपको पता लग जाएगा कि ये हार्ट फेल्स टू पंप तो ये कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में होता है नेक्स्ट है ड्रग ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट सोर्स ऑप्शन है रिजर्पिन पेनिसिलिन इथेनोल सल्फाम तो प्लांट सोर्स से मिलती है रिजर्पिन ठीक है किससे मिलती है रोवोलफिया से मिलती है रोवोल्फिया सरपेन्टाइनासिस की फैमिली होती है इससे रिजर्पिन ऑप्टेन होता है इंडोल्कोलोइड होता है रिजर्पिन ठीक है और एंटी हाइपरटेंसिव होता है ट्रांसक्यूलाइजर होता है ये रिजर्पिन तो और ये जो सल्फा मिथोक्सा होता है ये क्या होता है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में आता है ठीक है सल्फा मिथोक्सा को ट्राई मिथो के साथ कंबाइन करते हैं ना तो क्या बनता है कोट्राइमोक्साजोल बनता है ये वो सल्फोनामा सल्फा मिथोक्सा है नेक्स्ट है वन टी स्पून फूल इज़ इक्वल टू ऑप्शनस हैं थर्टी एम एल फिफ्टीन एम एल टेन एम एल फ़ाइव एम एल तो एक टी स्पून फुल में होते हैं फाइव एम एल होते हैं ठीक है ये फ़िफ्टीन एम एल किस में होते हैं ये होते हैं वन टेबल स्पून फुल में होते हैं वन टेबल स्पून फुल में कितने होते हैं फिफ्टीन एम एल होते हैं और थर्टी एम एल होते हैं वन फ्लूडाउंस में एक फ्लूडाउंस में कितने थर्टी एम एल होते हैं तो ये कन्वर्जनस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ठीक है उसमें सारे कन्वर्जनस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट है डेप्सोन इज यूज इन ऑप्शन लेप्रोसी एड्स माल ऑब्बॉपशन सिंड्रोम तो डेप्सोन होता है डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन होता है ठीक है इसको किस में यूज करते हैं लेप्रोसी में यूज करते हैं ठीक है डेप्सोन को लेप्रोसी में यूज करते हैं लेप्रोसी जो होती है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं ठीक है थीके? इम्पोर्टेंट है और जो लेप्रोसी में ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें एक तो डेप्सोन आता है ठीक है एक क्लोफा ज़िमीन आता है क्लोफा जिमीन जो है एक डाई होती है ठीक है एक वो इसमें आता है जो ड्रग्स ट्यूबर क्लोसिस में भी यूज़ होती है लेप्रोसी में भी कौन सी रिफाम्पिन आती है और इथियोनामाइड ठीक है और एंटीबायोटिक्स भी हैं और जो अदर ड्रग्स में आती हैं जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन है ओफ्लोक्सासिन है माइनोसाइक्लिन है ये सब ड्रग भी लेप्रोसी में यूज़ करते हैं नेक्स्ट है तो इसका हो जाएगा आंसर नेक्स्ट है परमोनरी ट्यूबर स्प्रेड बाय तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे सामने इंसेक्ट वैक्टर्स इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो ये ट्यूबरकोलोसिस जो है ये पल्मोनरी ट्यूबरकोलोसिस स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ठीक है तो कौन कौन सी ड्रग्स जो डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है जैसे हमने अभी लेप्रोसी पढ़ी थी लेप्रोसी भी कैसे स्प्रेड होती है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही होता है और होती है जैसे इन्फ्लुएंजा है मीजल्स है चिकन पॉक्स आती है और डिप्थीरिया आता है ठीक है और वूपिंग कफ आता है और ये ट्यूबरकोसिस हैं मीजल्स ये बता दिया मैंने मीजल्स ठीक है तो ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ये किससे स्प्रेड होती हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है ठीक है थीके? तो ये सब का नाम याद रखना है नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन ए साइट एक्सेप्ट ऑप्शंस हैं स्केलेटल मसल एडिपोस टिश्यू इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू या रिनल ट्यूबुल्स तो इसका क्या हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन अ साइट एक्सेप्ट मतलब सब में होता है और एक में नहीं होता वो बताना है हमें तो इसका हो जाएगा रिनल ट्यूबुल हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन ऑप्शन है हाइपरटोनिक आइसोटोनिक पैराटोनिक हाइपोटोनिक तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है या आइसोटोनिक होता है आप सबको पता है इसका आंसर तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट है ओप्योर डेरिवेटिव यूज्ड इन कफ मिक्सचर तो कफ मिक्सचर में कौन से ओप्योर डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं तो इसका ऑप्शनस uh, हैं पेंटाजोसिन डाईफिनोक्सीट नोस कैपिन तो इसमें होता है ये इसका कफ ओप्योर डरीवेटिव यूज इन कफ मिक्सचर्स में नोस आ जाएगा नोसैपिन जो है ठीक है यो ओपियम से ओप्टेन होता है और ये क्या होता है बैनजाइसो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है नोसकैपिन ठीक है इसको कफ कफ ड्रॉप्स में कफ सिरप्स में एज अ एंटीटस्सीव यूज़ करते हैं ठीक है जो हम कफ के ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें एक तो ब्रोंकोडाइलेटर्स पढ़ते हैं एक एंटीटसिवस पढ़ते हैं तो एंटीटिव में पढ़ते हैं हम कोडीन आती है फोल कोडीन आती है ठीक है एक ये आता है ठीक है और नॉन ओप्योर्ट्स भी आती है नॉन ओप्योर्स में डेक्स्ट्रोमिथोरफन आता है और क्लोफिडियानोल आता है ये सब ड्रग्स आती है जो एंटीटासीव्स में आती है और कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स भी होते हैं जो एंटीटा होते हैं कौन कौन से एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं डायफिन डाइफिनाइल हाइड्रामिन है क्लोरफिनइरामिन होता है और प्रोमिथाजिन होता है ये सब होते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं जो एंटीटासीव्स के रूप में हम यूज करते हैं तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नोज कैपिन ने है हाउ मेनी ड्रॉप्स कंस्टिट्यूट वन एम एल तो वन एम एल में कितनी ड्रॉप्स होती हैं फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी तो इसमें होती है ट्वेंटी ड्रॉप्स होती हैं ठीक है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट द टर्म बी डी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स ऑप्शन है ट्वाइस डेली थ्राइस डेली वन से डेली फोर टाइम्स अ डे तो बी डी का मतलब होता है बी सिंडाइट ये होता है ट्वाइस डेली ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी ऑप्शन हैं एल्कलीप प्लस एसिड एल्कलॉयड प्लस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड कैस्ट्रोल प्लस एसिड तो फिजिकल इकम्पैटिबिलिटी में हम पढ़ते हैं इमिसिबिलिटी ठीक है तो इमिसिबिलिटी का एग्जाम्पल है ये कैस्ट्रॉल प्लस वोटर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इन्हें प्रिस्क्रिप्शन डी फाइव डब्ल्यू मीन्स ऑप्शन है डिस्टिल वोटर फाइव एम एल डेली फाइव टाइम्स फाइव ड्रॉप्स ऑफ वोटर डेक्सट्रोज फाइव परसेंट इन वोटर तो डी फाइव डब्लू का मतलब होता है ये डेक्सट्रोज़ फाइव परसेंट होता है ठीक है ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट right आंसर